शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, सरकार बढ़ाएगी शराब के दाम। दरअसल शराब के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में योगी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। बैठक में आबकारी विभाग के दो प्रस्ताव चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए और इस नई नीति के तहत अब उत्तर प्रदेश में शराब पीने के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सरकार ने अंग्रेजी शराब, बियर और भांग की लाइसेंस फीस में बदलाव किया है और ये 1 अप्रैल 2024 से लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी होगी। योगी कैबिनेट ने आबकारी नीति में नए संशोधन को 31 मार्च 2025 तक लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में करीब 29,000 दुकानों का ई नवीनीकरण होगा। सरकार ने फलों से शराब बनाने के नियमों में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। अब वाइन प्लांट में सेब, सफेद अंगूर और नाशपाती से भी वाइन बनाई जा सकती है। योगी कैबिनेट ने अंग्रेजी शराब, बियर और भांग की बेसिक लाइसेंस फीस 10% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।